नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। एक बड़े लंबे अंतराल के बाद जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर चंदेरी पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का चंदेरी के नागरिकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान स्वागत सत्कार में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अपने पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता दिग्विजय सिंह चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान के पुत्र विजय प्रताप सिंह चौहान उर्फ मनु राजा के शादी समारोह में शामिल होने के लिए चंदेरी पहुंचे थे। क्या बदलाव देख रहे हैं सर? जो होना चाहिए था वो बदलाव हुआ है चंदेरी में? चंदेरी से मेरा संपर्क 1977 के बाद से बहुत ही निकट का रहा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माधवराव जी, लेट माधवराव महाराज ने भी और मौजूदा हमारे महाराज ज्योतिरादित्य जी ने सब ने मिलकर और जिस प्रकार से डंगी राजा गोपाल जी ने जो काम किया है, सभी कांग्रेस के लोगों ने जो काम किया है, उससे निश्चित तौर से प्रगति हुई है। मुझे याद है जब मैं 77 के नगर पालिका चुनाव में ही चंदेरी आया था तो वहाँ मुश्किल से 150 लोग रह गए थे चंदेरी के साड़ियों के। आज लगभग 2500-3000 चंदेरी के लूम हैं और चंदेरी साड़ी आज ब्रांड नेम है पूरे विश्व में। उसका पूरा श्रेय जाता है तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को, माधवराव जी सिंधिया को और हम सब लोगों ने जो मिलकर किया था, इसलिए काफ़ी प्रगति हुई है, अच्छा लग रहा है। सर, इंदौर में आईफा अवार्ड हो रहा है जिस पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, उनको तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हर चीज़ में सवाल पैदा करना, क्योंकि उससे आईफा का जो यहाँ पर डेजिग्नेशन हुआ है वो कमलनाथ जी की बहुत बड़ी जीत है और उनके प्रभाव से ही हो पाया है। आज पूरे इंटरनेशनल फिल्म जगत में मध्य प्रदेश का नाम हुआ है, भोपाल और इंदौर का नाम हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में शराब नीति नई बनी हुई, जबकि शराब बंदी होना थी जिससे शराब बिक्री बढ़ेगी। हमने शराब बंदी का कहीं जिक्र नहीं किया था, लेकिन आज भी पॉलिसी है किसी मोहल्ले की 50% महिलाएं अगर लिख के दे देंगी कि दुकान नहीं खुलना है तो दुकान वहां से हट जाएगी। ये हमारी नीति मेरे समय की चली आ रही है, आज तक वही है। सर, कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का सर ऐलान कब तक होगा? ये सब चीज़ें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करती है, दिव्य से थोड़ी तय करता है। आप ये ज्योतिराज सिंधिया के किस संबंध में चर्चा होने वाली है? देखो, ऐसा है, अगर सिंधिया जी गुना में हैं और मैं ना उनसे मिलूँ तो आप लोग चालू कर दो कि इनमें झगड़ा हो गया, इसलिए मिलना जरूरी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए चंदेरी से कल्याण अहिरवार की रिपोर्ट।